अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड चैप्टर था गाउस के, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, उसका आज ये लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो सबसे पहले जो साबुन का बुलबुला है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेते हैं अपन लोग। ये एक साबुन का बुलबुला है जिसकी त्रिज्या है आर, आर त्रिज्या है। आप लोगों को मैंने 11th क्लास में समझाया था साबुन के बुलबुले के अंदर भी हवा होती है और साबुन के बुलबुले के बाहर भी एटमॉस्फेयर के कारण जो हवा है उसका दाब होता है। साबुन के अंदर भी हवा है और साबुन के बाहर भी हवा होती है। अंदर की हवा साबुन को बाहर की ओर दबाती है, बाहर की ओर प्रेशर लगाती है, ठीक है। तो अंदर की हवा के कारण साबुन की जो सतह है उस पर बाहर की ओर दाब लगता है और जो एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब है वो इसको अंदर की ओर दबाता है, अंदर की ओर, जिसको मैं पी आउट, बाहर से लगने वाला दाब और यह है अंदर से लगने वाला दाब। अंदर से लगने वाले दाब की जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर होती है और बाहर से लगने वाला जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वातावरणीय दाब है, वो अंदर की ओर है लगता है। साथ में हर लिक्विड, हर द्रव को प्रकृति ने एक गुण दे रखा है जिसका नाम है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, और उस पृष्ठ तनाव के कारण हर द्रव के पृष्ठ पर एक अंदर की ओर खिंचाव, एक बल, एक दाब लगता है जिसको अपन लोग पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला दाब कहते हैं। तो यहां साबुन के बुलबुले पर बाहर से एक दाब और भी लगता है जिसका नाम है या जिसका जो मान है वो होता है 4T/R। 4T/R साबुन के बुलबुले पर यहाँ तीन दाब लगते हैं। साबुन की बुलबुले की जो सतह है उसके ऊपर तीन दाब काम करते हैं। एक तो अंदर की हवा के कारण बाहर की ओर लगने वाला दाब पी इन, और एक बाहर की हवा के कारण अंदर की ओर लगने वाला दाब पी आउट, और एक पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की ओर लगने वाला दाब है पी बराबर 4T/R। यहाँ टी पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन को प्रदर्शित कर रहा है, कैपिटल आर साबुन के बुलबुले की रेडियस त्रिज्या है। यदि साबुन का बुलबुला संतुलन की अवस्था में लिया जाए, संतुलन का मतलब है साबुन का बुलबुला टूटे ना इसके ऊपर, या ये ऐसे कि ऐसे सेफ हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में, संतुलन की अवस्था में, अंदर का दाब और बाहर से लगने वाला कुल दाब दोनों दाब बराबर होंगे, ठीक है। तो अंदर से लगने वाला दाब तो है पी इन, और बाहर से अंदर की ओर दबाने वाले जो दाब है वो दो है, एक तो है पी आउट और प्लस एक है पी टी, वो 4T/R। कितना है? 4T/R। ये दोनों दाब तो साबुन के बुलबुले को अंदर दबा रहे हैं और ये वाला दाब साबुन के बुलबुले को बाहर की ओर दबा रहा है, ठीक है। यदि साबुन के बुलबुले को संतुलन की अवस्था में लोगे, मतलब उसका ब्रेक ना हो, वो टूटे ना, तो इस कंडीशन में बाहर से लगने वाला कुल दाब बराबर अंदर से लगने वाला कुल दाब होगा। संतुलन की अवस्था में ये दाब बराबर होंगे। यदि पी आउट बाहर से लगने वाले एटमॉस्फेयर प्रेशर वातावरणीय दाब को इधर ले लूं, तो अंदर से लगने वाला हवा का दाब माइनस बाहर से लगने वाला हवा का दाब बराबर पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला दाब 4T/R। ये अंदर से लगने वाला दाब, हवा का दाब ज्यादा होता है, बाहर की हवा का दाब कम होता है। इन दोनों दाब का जब अंतर करते हैं तो दाब का कुछ मान बचता है और उसको अपन कहते हैं पी एक्सेस। दाब आधिक्य मतलब अंदर का हवा का दाब, अंदर की हवा का दाब बाहर की हवा के दाब से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? इतना ज्यादा होता है, इसको कहते हैं पी एक्सेस दाब आधिक्य, और इसका मान पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले दाब के बराबर होता है। पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले दाब की क्या होता है? बराबर होता है। यदि इस दाब आधिक्य
इस दाब आदि के या इस पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले जो दाब है, इनमें से यदि किसी भी एक दाब का मान ज्यादा कर दिया जाए तो बुलबुला संतुलन में नहीं रहेगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? यदि ये पृष्ठ तनाव वाला दाब बढ़ा दिया जाए, ये ज्यादा कर दिया जाए तो भी फूट जाएगा, और यदि ये दाब आधिक्य जो अंदर वाली हवा का दाब ज्यादा है ना बाहर की हवा से, यदि ये और ज्यादा कर दिया जाए इसके बराबर ना हो तब भी बुलबुला फूट जाएगा। तो ये संतुलन आवेश को साबुन के बुलबुले के लिए संतुलन की ये अवस्था है कि संतुलन में ये दोनों बराबर होते हैं, दाब आधिक्य बराबर पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला दाब। अब यदि मैं साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दूं, इसको आवेश दे दूं, तो इसको आप दिया गया आवेश कहां ठहरेगा? सतह पे। क्योंकि अंदर से तो साबुन का बुलबुला खोखला है, तो सतह पर ये सारा का सारा आवेश ठहर गया। तो अभी अपन लोगों ने समझा है, पिछले लेक्चर वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि सतह पर जो आवेश है उस आवेश के कारण विद्युत दाब लगता है बाहर की ओर, और उस बाहर की ओर लगने वाले दाब के कारण साबुन के बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है, वो बाहर की ओर खींचता है। ठीक है, तो अब यहां पर इस आवेश के कारण बाहर की ओर एक दाब और काम करने लग गया, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, स्थिर विद्युत दाब, और उसका मान आप अच्छी तरह से जानते हो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, तो अब आप लोग बताना यहां पर अंदर से बाहर की ओर कितने दाब लग रहे हैं? 2, और बाहर से अंदर की ओर कितने दाब लग रहे हैं? 2। और मैंने अभी कहा था आप लोगों को, यदि साबुन को संतुलन की अवस्था में रखना है, साबुन के बुलबुले को आप लोग फोड़ना नहीं चाहते, उसे तोड़ना नहीं चाहते, तो दाब आदि के इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से यदि किसी में भी वृद्धि कर दी आप लोगों ने तो बुलबुला फूट जाएगा। और अब देखो आप लोग क्या कि मैंने जैसे ही आवेश दिया तो आवेश देने से अब एक और दाब बढ़ गया बाहर की ओर इस बुलबुले को दबाने वाला एक दाब और बढ़ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो अब मैं इस PXX के अंदर इसको और जोड़ दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर को, और 4T/R। ठीक है, अब इस कंडीशन में यदि अब मैंने कहा था आप लोगों को यदि इन दोनों में से किसी भी एक का मान बढ़ा दिया जाए तो बुलबुला फूट जाएगा। तो देखो मैंने PXX दाब आधिक्य के साथ अब मैंने स्थिर विद्युत दाब और बढ़ा दिया तो बुलबुला फूट जाएगा इस कंडीशन में। तो यदि आप लोगों को आवेश देने के बाद भी बुलबुले को संतुलन रखना है, संतुलन की अवस्था में रखना है, तो इसकी शर्त है कि आप लोगों को दाब आधिक्य का मान कितना रखना पड़ेगा? 0। साबुन का बुलबुला अपने आप ही संतुलन को बनाता है, कैसे? वो इस दाब आधिक्य का मान कितना कर लेता है? 0 कर लेता है। और जैसे इस दाब आधिक्य का मान जब 0 होता है तो इस कंडीशन में विद्युत दाब पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो ये विद्युत दाब है वो पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग साबुन के बुलबुले को आवेश देते हो तो आवेश के कारण साबुन के बुलबुले पर बाहर की ओर एक दाब और लगने लगता है, जिसके कारण साबुन के बुलबुले का फूटना लगभग तय हो जाता है। लेकिन यदि साबुन का बुलबुला अपने आप को संतुलन की अवस्था में रखना चाहेगा तो वो अंदर का जो दाब आधिक्य है उसको कितना कर लेगा? 0 कर देगा। कितना कर लेगा? 0। जिससे क्या होगा कि विद्युत दाब का मान इस पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले दाब को क्या करके रखेगा? बैलेंस करके रखेगा, और साबुन का बुलबुला फूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में यहां पे अब मैं इस विद्युत दाब का मान रखता हूं, देखना। तो विद्युत दाब का जब मान रखूंगा यहां पे तो क्या होता है, विद्युत दाब का सूत्र आपको पता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये था एक, और एक सिग्मा के पदों में और था आप लोगों के पास, मैं सिग्मा वाला यहां पे काम में ले रहा हूं। तो देखना, एक और था अपना सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 4T/R। अब यहां से मैं सिग्मा का मान निकालने जा रहा हूं,
पृष्ठ आवेश घनत्व का मैं मान निकाल रहा हूं यहाँ पे, तो देखना सिग्मा का मान कैसे आएगा, तो ये 2 एप्सिलॉन नोट है वो इधर चले जाएंगे ऊपर गुणा में हो जाएंगे, तो ये 2-4 से गुणा होके 8 हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा और इधर सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा का मान निकालने के लिए मेरे को अंडर रूट लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो सिग्मा का मान कितना आएगा, सिग्मा का मान आएगा अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नोट टी अपॉन कैपिटल आर, और ये क्या है, किसी साबुन के बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, आपके बुक में ये छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है कि किसी आवेशित साबुन के बुलबुले के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, तो ये है आवेशित साबुन के बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन कैपिटल आर। यदि आप लोगों से आवेश का मान पूछा जाए तो आवेश कैसे निकालोगे आप लोग यहां से, तो देखना आवेश का मान निकालने के लिए अपन लोग जानते हैं सिग्मा का सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे में क्षेत्रफल, और साबुन का बुलबुला एक गोलाकार आकृति है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है, तो 4πr है इसकी रेडियस त्रिज्या का स्क्वायर, यदि आपको आवेश चाहिए तो मैं 4πr² को सिग्मा से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो आप लोगों को आवेश मिलेगा क्यू बराबर सिग्मा गुणा 4πr². अब यहाँ पे सिग्मा का मान रख दिया जाएगा और आवेश का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे अपन लोग, देखना मैं सिग्मा का मान रख रहा हूं यहाँ पे, तो एक बार रखने से पहले एक बार इसको पूरे को एक बार बेटा समझ लो थोड़ा सा, फिर इसको साफ करेंगे अपन लोग, ये एक साबुन का बुलबुला है, साबुन के बुलबुले के अंदर भी हवा होती है बाहर भी हवा होती है, अंदर की हवा का दाब बाहर की ओर लगता है और बाहर की हवा का दाब साबुन के बुलबुले को अंदर दबाता है, इसके अलावा साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ तनाव के कारण भी एक दाब और लगता है जो साबुन के बुलबुले को अंदर दबाता है, अंदर दबाने वाले दाब 2 होते हैं और बाहर की ओर दबाने वाला दाब 1 होता है, यदि साबुन के बुलबुले को संतुलन की अवस्था में चाहते हो, उसको तोड़ना नहीं चाहते, उसको टूटने से बचाना चाहते हो, तो अंदर की हवा के द्वारा लगने वाला कुल दाब और बाहर से लगने वाला कुल दाब आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, पी इन बराबर पी आउट प्लस 4t/r, ये पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल। अब यदि मैं इस पी आउट को इधर ले जाऊं तो पी इन माइनस पी आउट, पी इन है अंदर की हवा के कारण लगने वाला दाब, पी आउट है बाहर की वातावरणीय हवा के कारण वायुमंडलीय दाब और बाहर की हवा के कारण लगने वाला दाब, और यह है पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला दाब, अंदर की हवा का दाब ज्यादा होता है बाहर की हवा से, उस अंदर की हवा का दाब जो ज्यादा होता है उसको अपन दाब आधिक्य कहते हैं, और ज्यादा में से कम को घटाने पर दाब का कुछ मान बच रहा है जिसी उसी को अपन पी एक्स एक्स या पी दाब वो दाब आधिक्य कह रहे हैं, और ये दाब आधिक्य 4t/r के क्या है, बराबर है, ठीक है। अब यदि ये तो कब है संतुलन की अवस्था, ये संतुलन की अवस्था कब होगी, जब आपका साबुन का बुलबुला आवेशित ना हो, उस कंडीशन में संतुलन की अवस्था, ओके, यदि मैं उसको आवेशित कर दूं और फिर संतुलन की अवस्था चाहते हो, तो आवेशित करने के बाद अब एक दाब और लगता है जो साबुन की सतह को बाहर की ओर खींचता है और वो होता है विद्युत दाब, ठीक है, तो अब बाहर की ओर एक तो दाब आधिक्य हो है और एक हो गया विद्युत दाब, ठीक है, और यदि आप लोग इसको संतुलन की अवस्था में चाहते हो साबुन के बुलबुले को, इसको ब्रेक होने से बचाना चाहते हो, तो इस कंडीशन में अंदर की हवा का जो दाब अधिक है, दाब आधिक्य है जिसे अपन कह रहे हैं, उसका मान कितना रखना होगा अपने को, 0, और ये बैलेंस अपने आप साबुन का बुलबुला कर लेता है, ठीक है, तो यदि साबुन का बुलबुला आवेशित करने के बाद संतुलन की अवस्था में रहना चाहता है तो वो इस दाब आधिक्य का मान कितना कर लेता है, 0 कर लेता है, ठीक है, जिससे उस पृष्ठ तनाव के कारण जो लगने वाला दाब है उसको कौन बैलेंस कर पाता है, अकेला ये विद्युत दाब उसको बैलेंस कर लेता, ठीक है, ये विद्युत दाब इसको बैलेंस कर लेगा, और फिर यहां से अपन लोग उस साबुन के बुलबुले के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज्ञात करते हैं, और ये है पृष्ठ आवेश घनत्व। अब बताने जा रहा हूं मैं उस साबुन के बुलबुले को दिए गए आवेश का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो आवेश का फॉर्मूला ये है अपना, अब मैं क्या करूंगा, आवेश का फॉर्मूला हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व
इंटू 4πr² बुलबुले की सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां सिग्मा का मान रखने जा रहा हूं मेरे को, तो क्यू बराबर अंडर रूट 1ε0 कैपिटल टी आर और गुना 4π कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, मैं इसको लिखने का तरीका इसका चेंज कर रहा हूं, कैपिटल क्यू बराबर 1ε0 कैपिटल टी और इंटू कैपिटल आर की घात 4 अपॉन कैपिटल आर का अंडर रूट और बाहर है 4π। इधर देखो बेटा 8ε0 कैपिटल टी कैपिटल आर 4π और ये जो आर स्क्वायर अंडर रूट से बाहर था इसको मैंने आर की घात 4 बना के अंडर रूट के अंदर डाल दिया। अब आप इसको वापस सोल्व करोगे तो आर की घात 4 का अंडर रूट आर स्क्वायर ही आएगा और वो बाहर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो मैंने इसको आर की घात 4 बना के अंदर डाल दिया और अब यहां आर से एक आर कट गया, अंडर रूट के अंदर अपन ने लिख दिया इसको, आर से एक आर कट गया। तो यहां कैपिटल क्यू बराबर 4π अंडर रूट 8ε0 कैपिटल टी और कैपिटल आर का क्यूब। ये आ गया किसी साबुन के बुलबुले की सतह पर दिया गया आवेश का मान आ गया। ठीक है, तो ये है साबुन के बुलबुले के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व, ये है आवेश का मान। यदि आप लोगों से साबुन के बुलबुले की त्रिज्या पूछी जाए तो आप लोग यहां से त्रिज्या भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है, यहां पे त्रिज्या आप लोग प्रकाश से निकाल पाओगे, देखना अंडर रूट को हटाओ वापिस यहां से, तो अंडर रूट को यदि आप वापिस यहां से हटाते हो तो स्क्वायर होता है सिग्मा का, ये लो सिग्मा का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट को हटाने से सिग्मा का स्क्वायर हो गया, तो अब आर चाहिए, आर को इधर ले लो, सिग्मा स्क्वायर नीचे आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो साबुन के बुलबुले की त्रिज्या कितनी आ गई? साबुन के बुलबुले की त्रिज्या है 8ε0 कैपिटल टी और सिग्मा स्क्वायर, ये साबुन के बुलबुले की त्रिज्या हो गई और ये हो गया आवेश और ये आप लोगों के लिए था पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। और तीनों फॉर्मूले आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे 2-3 न्यूमेरिकल आप लोगों को बुक में दिए गए हैं। तो ये है पृष्ठ आवेश घनत्व, ये आवेश और ये है साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें दो ही बातें याद रखनी है, यदि अनावेशित साबुन का बुलबुला है तो संतुलन की अवस्था में दाब आदि के PXX पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले दाब के बराबर होता है, 4D/R के बराबर होता है। और यदि आवेशित साबुन का बुलबुला लिया जा रहा है तो संतुलन की अवस्था प्राप्त करने के लिए दाब आदि के का मान 0 होगा और विद्युत दाब का मान पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले दाब के क्या होगा? बराबर। ओके बेटा, आपका सेकंड चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट थी आपकी फर्स्ट, उसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट है, इसके जो न्यूमेरिकल सेस रह गए अगले लेक्चर वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे और आप लोग जितने खुद अपने स्तर पे कर सकते हो करना बेटा। ओके, थैंक्स बेटा।